नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हूँ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन और आज का हमारा डेस्टिनेशन है लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल जाने के लिए मैं आज चूज़ किया मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। और जाने के लिए आपको जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, आप कालकाजी में जा सकते हो या तो आप नेहरू प्लेस में जा सकते हो। तो मैं नेहरू प्लेस में आ गया। और नेहरू प्लेस या कालकाजी कहीं भी आओ, आपको आधे घंटे मतलब आधे किलोमीटर का डिस्टेंस है लोटस टेम्पल यहाँ से। तो हमने जैसे मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला तो हमें ऑटो रिक्शा से 20 रुपये दे के लोटस टेम्पल पहुँचा। आपको यहाँ पे लोटस टेम्पल पे एंट्री में काफ़ी टाइम में लाइन भी लग सकता है, लेकिन हमारे इस टाइम लाइन नहीं था, बिल्कुल खाली था। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपके लेफ्ट साइड में टेम्पल आएगा और राइट साइड में आएगा इन्फॉर्मेशन सेंटर। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप लोटस टेम्पल आएंगे तो आप इन्फॉर्मेशन सेंटर में एक बार ज़रूर विजिट करना। और याद रखना, यहाँ पे आपको मोबाइल या कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है, मतलब आपको साइलेंट करके रखना है मोबाइल। तो आप लोटस टेम्पल के साथ साथ इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है या बाहाई धर्म के बारे में जो भी जानना है, इन्फॉर्मेशन सेंटर में ज़रूर जाना। तो मैं इस वीडियो छोटे से वीडियो में जो भी आपको बताऊँगा वो सब मुझे इन्फॉर्मेशन सेंटर से जो भी इन्फॉर्मेशन मिला वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि मेरे हिसाब से लोटस टेम्पल में जाने के बाद उसके बारे में जानना हमें सबके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि बाहाई धर्म जो है उसको मानना है कि सब धर्म के लोग जो है वो एक ही है। और ये ओपन हुआ था टूरिस्ट के लिए 1986 में। इसके अंदर आप जब जैसे जाएंगे तो इसका 1300 लोगों के लिए सीट कैपेसिटी है। और टोटल टेम्पल के अंदर जो विजिटर की कैपेसिटी है वो करीब 2500 के आसपास है। टोटल जो लोटस टेम्पल का जो कैंपस है इसका एरिया करीब 26 एकड़ है। और इसका जो बना हुआ है आपने ऐसे ही पिक्चर में भी देखा और कहीं पर भी आपने जैसे इसका फोटो देखा, तो ये व्हाइट मार्बल के बना हुआ है। जो व्हाइट मार्बल है ये ग्रीस का पेंटली माउंटेन से लेके आया था। और इसका जो लैंड है ये लैंड आपका डोनेट किया था हैदराबाद का अर्दिशिर रुस्तमपुर बोल के एक जन, जो इसका जो लैंड था जिसका उसने डोनेट किया। और इसका लाइफ का पूरा जो भी सेविंग है उसने डोनेट किया था लोटस टेम्पल के लिए। और लोटस टेम्पल का जो मेन आर्किटेक्ट जो था उसका नाम था फरीबोंज सावा, जो एक इरानियन था। और लोटस टेम्पल आपका एक दिल्ली का छोटा सा गांव है, इसका नाम है बहापुर। ये बहापुर विलेज के ऊपर इसका स्टेब्लिश। और दूसरा आपको एक और इन्फॉर्मेशन में देना था कि कोई भी बड़े चीज़ जो होता है ना वो काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस होता है, ऐसे भी एक है लोटस टेम्पल। दो चीज़ मैं बताऊंगा इसका जो मुझे अच्छा लगा। एक तो है कि ये दिल्ली का फर्स्ट टेम्पल है जहाँ पे सोलर सिस्टम यूज़ किया गया था। और आप जान के हैरान होंगे कि पर मंथ करीब 1.25 लाख रुपए सेविंग करता है ये सोलर सिस्टम के लिए। और दूसरा एक इन्फॉर्मेशन है कि आपको लोटस टेम्पल 2001 में ग्रीस बुक में नाम आया था। इसका रीज़न यह था कि लोटस टेम्पल एक दिल्ली का लोटस टेम्पल एक ऐसा बिल्डिंग है जो पूरा वर्ल्ड में बोला जाता है कि धार्मिक बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा लोग विजिट करने वाला ये लोटस टेम्पल बिल्डिंग है। और आप जान के हैरान होंगे कि ताजमहल में भी जो लोग विजिट करते हैं, टूरिस्ट आता है, उससे भी ज़्यादा लोग आपका लोटस टेम्पल में आता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना आपका 3 स्टेप में है। अंदर का अंदर जो है वो हॉल है। अंदर जैसे आप जाएंगे जहाँ पे आपका सीटिंग एरिया है जहाँ पे बैठ के आप प्रेयर कर सकते हो, वो करीब 40 फीट हाइट है। उसके बाद इसका मिडिल स्टेप है। और बाहर जो आप देख रहे हो ये पापड़ी जो है, ये टोटल 9 पापड़ी है, ये इसका थर्ड स्टेप है। इसका टोटल बनाने में जो खर्चा हुआ वो था $10 मिलियन। और ये बनाने का कंपनी जो था वो था L&T का ECC कंस्ट्रक्शन कंपनी।
मेरे हिसाब से अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको ज़रूर एक बार लोटस टेम्पल में आना चाहिए। और अगर आप बाहर से कभी दिल्ली ट्रिप में आते हो तो आपको आपके ट्रिप लिस्ट में ज़रूर लोटस टेम्पल होगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ ही रहिए ऐसे ही ट्रैवल वीडियो देखने के लिए और एक खूबसूरत लोटस टेम्पल का मजा लेने के लिए। आपको धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।